हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में क्लास टेंथ की जो एग्ज़ाम है उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बताने जा रही हूँ। इसमें जो इस साल एग्ज़ाम है 2020-21 में, इसमें कुछ चैप्टर्स डिलीट किए हैं, 5 चैप्टर हैं जो डिलीट किए हैं, उनमें से क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो कुल आपको इसमें 32 मार्क्स के क्वेश्चंस की तैयारी हो जाएगी। आप आसानी से इतने क्वेश्चन करके 32 मार्क्स लेकर आ सकते हैं। सबसे पहले हम इसमें टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन लेंगे, वर्कबुक के भी इसी में लेंगे और ड्रामा के भी, अर्थात आपकी जो दोनों बुक हैं टेक्स्ट बुक वर्कबुक पूरी कंप्लीट हो जाएगी इसी में, और कुल मार्क्स कवर होंगे 32 मार्क्स। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि ड्रामा के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो भी हमने लास्ट में लिए। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको एक एक प्रश्न पढ़ के और उसका अर्थ भी आपको समझाती जाऊंगी ताकि आपको वो आसानी से याद हो जाए। पहला हमारा क्वेश्चन है टेक्स्ट बुक से, व्हाट वाज द ड्यूटी ऑफ द लिटिल बॉय। तो ये सेकंड लेसन है, इसमें ये पूछा गया है कि बच्चे की क्या ड्यूटी थी, जो छोटा बच्चा था उसकी क्या ड्यूटी थी। इसका आंसर है द ड्यूटी ऑफ द लिटिल बॉय वॉज टू कम टू स्कूल अर्ली ईच डे टू स्टार्ट द फायर एंड वार्म द रूम। तो बच्चे की क्या रोज की ड्यूटी थी, उस छोटे बच्चे का रोज का काम था कि वो स्कूल जल्दी पहुँचे सबसे पहले, और जो आग है आग चालू करके, आग जलाकर वो कमरे को गर्म करे। एक जो गांव का स्कूल था वहां पर एक बच्चे का रोज का काम यही हुआ करता था कि वो सारे टीचर्स और बच्चों के आने के पहले रूम को गर्म कर दे। तो ये उसकी ड्यूटी थी और ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई वाज द बॉय सेंट टू हॉस्पिटल। बच्चे को हॉस्पिटल क्यों भेजा गया। अब आपने स्टोरी पढ़ी होगी तो आपने देखा होगा उसमें कि वो बच्चा जब रोज़ आग जलाने जाता था तो एक दिन क्या होता है कि जब टीचर्स वगैरह पहुँचते तब वो देखते हैं कि स्कूल की बिल्डिंग पूरी आग की लपटों से घिरी हुई है, क्योंकि वो आग जला के कमरा गर्म कर रहा था और फायर एक्सीडेंट हो जाता है। तो बच्चे को क्यों हॉस्पिटल भेजा गया, द बॉय गॉट बर्न सो ही वॉज सेंट टू हॉस्पिटल फॉर ट्रीटमेंट। तो वो जो बच्चा है उसके शरीर का निचला हिस्सा काफ़ी सारा जल जाता है, इसलिए उसको अस्पताल भेजा जाता है। यहाँ हम आंसर लिखेंगे कि बच्चा जल गया था इसे, इसलिए उसे अस्पताल ट्रीटमेंट के लिए भेजा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड मदर हैव द बॉय टू ओवरकम हिज डिसेबिलिटी। ये तीनों प्रश्न एक ही लेसन के हैं, लेसन 2 से। तो ये प्रश्न है कि माँ ने उस बच्चे की डिसेबिलिटी से ओवरकम होने में क्या मदद करी, मतलब जो बच्चा था वो आग से जल जाने के कारण उसके शरीर का निचला हिस्सा बिल्कुल भी काम नहीं करता है, वो चल फिर भी नहीं पाता है, तो बच्चे की जो मदर थी वो उसकी काफ़ी हेल्प करती थी, क्या करती थी, ये प्रश्न पूछा है। आंसर है एवरी डे हिज मदर वुड मसाज हिज लिटिल लेग्स। तो उसकी माँ क्या करती थी कि माँ उसके पैरों की रोजाना मालिश किया करती थी। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो कि हमारा थर्ड लेसन से है, हु इज़ नोन ए शहीद आज़म। शहीद आज़म के रूप में किसे जाना जाता है। तो ये हु को हटाकर आप डायरेक्ट आंसर लिख देंगे, भगत सिंह। भगत सिंह इज़ नोन ए शहीद आज़म, भगत सिंह को शहीद आज़म के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम 3 पैट्रियट्स हु सेक्रीफाइस दियर लाइफ फॉर फ्रीडम ऑफ मदरलैंड सेम डे एट लाहौर। तो आपको 3 देशभक्तों के नाम बताने हैं जिन्होंने देशभक्त अपनी मातृभूमि की आज़ादी के लिए एक ही दिन लाहौर में अपने जीवन की कुर्बानी दी। लाहौर, ये कौन सा लाहौर है, जो हमारा भारत स्वतंत्र नहीं था उसके पहले का लाहौर है, यानी वो इंडिया का ही एक हिस्सा था। तो वहाँ पर जो लाहौर में फांसी दी गई थी 3 क्रांतिकारियों को, उन तीनों क्रांतिकारियों के आपको नाम बताना है। तो वो तीनों क्रांतिकारी कौन थे, उनके नाम थे भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव। ये तीनों क्रांतिकारी थे जिनको एक साथ फांसी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट स्लोगन्स वर रेज्ड बाय द 3 रिवॉल्यूशनरीज। तो ये जो तीनों क्रांतिकारी थे, जब ये जेल में थे और इनको फांसी के लिए लेकर जाया जा रहा था, तब इन्होंने काफ़ी बुलंद आवाज में नारे लगाए थे। तो यहाँ ये प्रश्न पूछा गया है कि व्हाट स्लोगन्स वर रेज्ड बाय द 3 रिवॉल्यूशनरीज, कि इन क्रांतिकारियों के द्वारा क्या स्लोगन्स बोले गए, क्या नारे बोले गए। तो क्या नारे बोल रहे थे ये, दे रेज द स्लोगन्स इनकलाब जिंदाबाद साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। उन्होंने क्या स्लोगन बोले, उन्होंने नारे लगाए
काफ़ी तेज आवाज़ में इनकलाब, जिंदाबाद, साम्राज्यवाद, मुर्दाबाद, ये नारे लगाए उन्होंने। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है लेसन 6 से, व्हाट वाज चैलेंज बिफोर ममता, ममता के सामने क्या चुनौती थी। तो ये जो ममता है प्लेयर थी, तो इसके सामने क्या चुनौती थी, क्योंकि ये गांव से आई हुई लड़की थी और इसको कोई टीम में नहीं ले रहा था, इसके सामने क्या चुनौती थी कि इसको बताना था जीतकर कि बास्केटबॉल में ये कितना अच्छा कर सकती है। तो इसलिए उसके सामने क्या चुनौती थी, द चैलेंज बिफोर ममता वाज टू विन बास्केटबॉल ट्रॉफी, उसके सामने ये चुनौती थी कि वो बास्केटबॉल ट्रॉफी जीते। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट क्वालिटीज डिड द कोच नोटिस इन ममता, अब ममता की क्या क्वालिटीज़ उन्होंने नोटिस की कोच ने। तो आपको पता है कि जो ममता थी, तो जब ये पहली बार सिटी के स्कूल में जाती है और इसे बास्केटबॉल टीम में लेते हैं, तो काफ़ी सारी लड़कियां हंसती हैं उनके ऊपर कि ये तो कभी बास्केटबॉल खेलती ही नहीं थी, इसको तो पता भी नहीं है कि बास्केटबॉल का कोर्ट होता क्या है, तो इस तरह से उसकी हंसी उड़ाती है। लेकिन उसके कोच कहते हैं नहीं, आप लोगों ने ममता की कई विशेषताएं नोट नहीं की हैं। तब वो बताते हैं कि उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या विशेषताएं थी। शी वॉज टॉल, एक तो वो लंबी थी। शी वॉज स्विट, वो शारीरिक रूप से भी बिल्कुल स्वस्थ थी। शी वॉज अ फास्ट रनर, और क्या थी, वो बहुत तेज दौड़ती थी। इसका ये रीज़न भी बताया क्योंकि वो गांव से आती थी, तो काफ़ी पैदल चलने की उसको आदत थी, इसलिए उसकी जो लेग्स की मसल्स थी वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, तो इसलिए उसकी वो फास्ट रनर भी थी, फिट थी, टॉल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड डॉक्टर कलाम गो टू दिल्ली, अब यहाँ जो 8th लेसन है उससे प्रश्न पूछा गया है कि डॉक्टर कलाम दिल्ली क्यों गए। आंसर है डॉक्टर कलाम वैन टू दिल्ली टू अपीयर फॉर द इंटरव्यू एट DTD&P। अब डॉक्टर कलाम दिल्ली क्यों गए थे, क्योंकि वो DTD&P का इंटरव्यू देने के लिए गए थे। दो अलग अलग जगह पर गए थे वो इंटरव्यू देने के लिए, और उनका सिलेक्शन फिर बाद में ये दिल्ली में ही होता है, पहले दिल्ली जाते हैं और फिर बाद में देहरादून जाते हैं। तो देहरादून का भी पूछा है क्वेश्चन नंबर 10 में, व्हाई डिड डॉक्टर कलाम गो टू देहरादून, डॉक्टर कलाम देहरादून क्यों गए। डॉक्टर कलाम वेंट टू देहरादून फॉर द इंटरव्यू एट द एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड, डॉक्टर कलाम देहरादून क्यों गए थे एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड में इंटरव्यू देने के लिए। तो ये लेसन में एक्चुअल में ये बताया है कि शुरुआत में तो वो दिल्ली जाते हैं जहाँ पर कि उनका इंटरव्यू होता है DTD&P के लिए, और फिर बाद में मतलब वो एक तरह से साइंटिस्ट की पोस्ट थी, और देहरादून जाते हैं वो एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड के लिए, वो चाहते हैं देहरादून जब जाते हैं कि वो पायलट बने, लेकिन उनका वहाँ सिलेक्शन नहीं होता है। फिर वापस जब दिल्ली जाते हैं तो उनका वहाँ पर सिलेक्शन फाइनल हो जाता है। तो इस तरह से ये दो जगह अलग अलग इंटरव्यू के लिए गए, और ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि दिल्ली में क्या लिखना है और देहरादून में क्या लिखना है। देहरादून किस लिए गए थे, वो एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड में। व्हाट डिड डॉक्टर कलाम वांट टू बिकम इन एयरफोर्स, अब एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड में गए थे तो वो क्या बनना चाहते थे एयरफोर्स में, ही वॉन्टेड टू बिकम पायलट इन एयरफोर्स, वो पायलट बनना चाहते थे एयरफोर्स में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वर सुबुद्धि एंड कुबुद्धि, तो सुबुद्धि और कुबुद्धि कौन थे। अब इसका बहुत ही सरल उत्तर है, सुबुद्धि एंड कुबुद्धि वर टू फ्रेंड्स। यहाँ पर ये जैसा नाम लिखा है सुबुद्धि और कुबुद्धि, इसी तरीके के ये दो अलग अलग क्वालिटीज़ के दोस्त थे। सुबुद्धि अच्छा ईमानदार था और कुबुद्धि कैसा था ये अगले क्वेश्चन में बताएंगे भी, तो ये दोनों की अच्छी दोस्ती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वर द क्वालिटीज ऑफ सुबुद्धि एंड कुबुद्धि, अब सुबुद्धि और कुबुद्धि की क्या क्वालिटीज थी। सुबुद्धि वाज एन ऑनेस्ट मैन एंड कुबुद्धि वाज अ वीक मैन, सुबुद्धि कैसा व्यक्ति था, सुबुद्धि ईमानदार व्यक्ति था, और कुबुद्धि जो है नीच व्यक्ति था, वो काफ़ी बेईमान सा था, सारी गलत आदतें थी उसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रियल सर्विस टू गॉड, भगवान की सच्ची सेवा क्या है। द रियल सर्विस टू गॉड इज टू सर्व द पुअर, ये उनकी दादी कहा करती थी, जो ऑथर है उनकी दादी ये कहती थी कि भगवान की सच्ची सेवा क्या है कि आप गरीबों की मदद कीजिए। व्हाट वाज द ओपिनियन ऑफ द डॉक्टर अबाउट बर्नट बॉय, ये सेकंड लेसन का ही मैंने क्वेश्चन फिर से लिया है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छूट गया था।
कि डॉक्टर का क्या ओपिनियन था जले हुए बच्चे के बारे में। जब बच्चा जला हुआ इतना रहता है और उसके शरीर का निचला हिस्सा जला हुआ रहता है तो डॉक्टर को क्या लगता है, डॉक्टर उनकी मदर से क्या कहते हैं। द ओपिनियन ऑफ द डॉक्टर वॉज दैट द बॉय वुड श्योरली डाई। क्या था ओपिनियन, कि ये बच्चा निश्चित रूप से मर जाएगा। तो इस तरह से ये 15 क्वेश्चन जो हैं आपके शुरू के 1 से लेकर 15 तक के क्वेश्चन, ये आपके 6 अंक कवर करते हैं और इसमें पूरी टेक्स्ट बुक आपकी आ गई 1 लेसन से लेके 18 तक। अब हम लेते हैं पोएम के क्वेश्चन आंसर। पोएम के क्वेश्चन आंसर्स इसमें से लास्ट की पोएम डिलीट हो गई है इस साल, इसलिए हम उससे क्वेश्चन नहीं लेंगे और बाकी की जो 5 पोएम है उनके क्वेश्चन हैं। ये पोएम के क्वेश्चन 7 मार्क्स के कवर होते हैं क्योंकि 3 मार्क्स इसमें से एक्सट्रैक्ट के आएंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। व्हाट डज डार्कनेस स्टैंड फॉर, डार्कनेस किसके लिए आता है। डार्कनेस यहाँ पर जो पोएम है फर्स्ट पोएम, इसमें जो पोएट है वो कहते हैं ईश्वर से कि मुझे डार्कनेस से लाइट की तरफ ले चलो। तो डार्कनेस का क्या मतलब है, डार्कनेस स्टैंड्स फॉर इग्नोरेंस। डार्कनेस का क्या मतलब है, डार्कनेस अज्ञानता के लिए बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज लाइट स्टैंड्स फॉर, और डार्कनेस से लाइट की तरफ ले जाना, तो जब डार्कनेस इग्नोरेंस है तो लाइट क्या है, लाइट क्या है, नॉलेज। लाइट स्टैंड्स फॉर नॉलेज, लाइट मतलब ज्ञान। व्हाट शुड वी प्रे फॉर, अब हमें क्यों प्रे करना चाहिए। वी शुड प्रे गॉड टू चेंज डार्कनेस इंटू लाइट, इविल इंटू गुड, क्ले इंटू गोल्ड। तो हमें ईश्वर से क्या प्रार्थना करनी चाहिए, कि ईश्वर हमारे अंधकार को प्रकाश में बदल दे, बुराई को अच्छाई में बदल दे और ये जो मिट्टी का शरीर है इसे सोने में बदल दे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 4th पोएम से है। व्हाट हैपन्स व्हेन द पोएट लुक्स एट द चिल्ड्रन प्लेइंग, जब पोएट बच्चों को खेलते हुए देखते हैं तो क्या होता है। आंसर है व्हेन द पोएट लुक्स एट द चिल्ड्रन प्लेइंग हिज ऑल क्वेश्चंस वैनिश, जब पोएट बच्चों को खेलते हुए देखते हैं तो उनके सारे प्रश्न गायब हो जाते हैं। यहाँ प्रश्न से मतलब है चिंताओं से, कि उनकी सारी जो चिंताएं हैं वो गायब हो जाती हैं। हम यहाँ पर वरीज भी लिख सकते थे लेकिन कभी आपको स्पेलिंग याद ना हो तो इसलिए हमने क्वेश्चन लिया, क्योंकि क्वेश्चन की स्पेलिंग तो आपको याद ही रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डू द विंडोज ओपन, वेयर डू द विंडोज ओपन यानी खिड़की कहाँ खुलती है। तो इसका सरल सा आंसर है द विंडोज ओपन इन द ईस्टर्न, खिड़की कहाँ खुलती है, पूर्व दिशा में। व्हाट लाइज इन द हार्ट्स ऑफ द चिल्ड्रन, बच्चों के हार्ट में क्या है। तो बच्चों के हार्ट में क्या है, व्हाट की जगह पर आप सिर्फ क्या लिखेंगे आंसर, बर्ड्स एंड सनशाइन, है ना, चिड़िया और धूप, सूर्य की चमक। क्यों, क्योंकि इसका मतलब है होप से मतलब है कि उम्मीद है बच्चों के दिल में। व्हेन डू द प्रॉब्लम्स ऑफ द पोएट एंड, प्रॉब्लम कब एंड होती है पोएट की, पोएट की प्रॉब्लम कब होती है। व्हेन ही हियर्स द चिल्ड्रन एट प्ले, जब पोएट क्या करता है बच्चों को खेलते हुए देखते हैं। हु इज ग्रेटर देन अ किंग, कौन व्यक्ति राजा से भी बड़ा है। तो ये एंगर वाली पोएम से क्वेश्चन लिया गया है, कौन सा व्यक्ति, द पर्सन हु कंट्रोल्स हिज एंगर, जो व्यक्ति अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेता है वो राजा से भी महान होता है। हु इज नोबल ब्रेव एंड वाइज, किसे नोबल बहादुर और बुद्धिमान माना गया है। द पर्सन हु रूल्स हिमसेल्फ इज नोबल ब्रेव एंड वाइज, वो व्यक्ति जो अपने स्वयं पर शासन कर लेता है वही नोबल ब्रेव और वाइज होता है। व्हाई डू वी रिपेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम, हम लंबे समय तक क्यों पछताते हैं। तो ये भी गुस्से के कारण, एंगर कॉजेज हार्म, सो वी रिपेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि क्या होता है गुस्से के कारण नुकसान होता है इसलिए हम लंबे समय तक पछताते हैं। हाउ कैन एंगर बी कॉन्कर्ड, गुस्से को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, गुस्से से कैसे जीता जा सकता है। एंगर कैन बी कॉन्कर्ड बाय सेल्फ कंट्रोल, गुस्से को सिर्फ स्वयं नियंत्रण के द्वारा ही जीता जा सकता है। इसके बाद है पोयम हमारी 11 पोयम से क्वेश्चन नंबर लिया गया है 12। हु टेक्स द काइट्स हाई, पतंग को ऊंचा कौन ले जाता है, पतंग किसके कारण ऊंची उठती है। तो हु की जगह क्या आ जाएगा आंसर, विंड, विंड यानी हवा, हवा पतंग को ऊंचा ले जाती है। हाउ डज द विंड वर्क, हवा कैसे काम करती है, तो कैसे करती है, इट पुशेस एंड ब्लोस बाय हाइडिंग इटसेल्फ, कैसे काम करती है, ये अपने आप को छुपा के काम करती है क्योंकि हवा कभी भी दिखती नहीं है
और लेकिन पुशेस एंड ब्लोस, पुश करती है मतलब हमारे पीछे की तरफ से आती है, तो हम अपने आप आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं। लेकिन ये सब कैसे होता है? बाय हाइडिंग इटसेल्फ, छुप कर। व्हाट डज द विंड ऑलवेज डू, हमेशा क्या करती है हवा? इट पुशेस एंड ब्लोस ऑल डे लॉन्ग। ये आप दोनों में क्वेश्चन में देख रहे हैं, एक जैसी वर्ड आ रहे हैं। हवा हमेशा क्या करती है? धक्का देती है और बहती रहती है। What does the poet say about his sad songs? अब ये poem 15 से लिया गया question है। The poet says to throw out his sad songs. Poet क्या कहते हैं? Throw out करना मतलब फेंक देना, बाहर कर देना, अपने जो उदासी के गाने हैं, उन गीत हैं, उन्हें बाहर करने के लिए कहते हैं। What does the poet say about the memories of dead people? Poet जो लोग मर गए हैं उनकी memories के बारे में क्या कहते हैं? क्योंकि हम लोग बहुत याद करते हैं जो हमारे अपने चले जाते हैं, तो उनकी मेमोरीज के लिए क्या कहते हैं? पोएट, द पोएट सेज टू फॉरगेट द मेमोरीज ऑफ डेड पीपल। कवि क्या कहते हैं कि जो लोग नहीं हैं इस दुनिया में, हमें उनकी यादों को भूल जाना चाहिए। व्हाट आर द थिंग्स दैट वी शुड लीव, क्या चीज़ें हमें छोड़नी चाहिए? वी शुड लीव फॉल, सीन, ग्रीफ एंड वार, बहुत सारी चीज़ें बताइए, लेकिन आंसर के हिसाब से हमने कुछ ही चीज़ों को लिया है। हमें क्या क्या छोड़ देना चाहिए? जो गलत है, जो पाप है, जो दुख है और युद्ध, ये सब चीज़ें हमें छोड़ देना चाहिए। यहाँ पर आपके टेक्स्ट बुक के लेसन और पोएम के क्वेश्चन आंसर सब खत्म हो गए, और अब हम लेते हैं वर्कबुक के क्वेश्चन। वर्कबुक के क्वेश्चन कितने मार्क्स के हैं? 15 मार्क्स के, क्योंकि 3-3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हाट प्लेसेस मलेरिया अकर मोस्ट, कौन से स्थानों पर मलेरिया ज़्यादा होता है? मलेरिया अकर्स मोस्ट इन डैम्प एंड मार्शी प्लेसेस। मलेरिया कहाँ होता है? जहाँ नमी और दलदल वाली जगह होती है। नमी दलदल की जगह कहाँ होती है? मतलब जहाँ पर पानी रुका हुआ होता है। हाउ डज ए मॉस्किटो बिगिन इट्स लाइफ एंड वेयर, एक मच्छर के जीवन की शुरुआत कहाँ होती है और कैसे होती है? तो अ मॉस्किटो बिगिन्स इट्स लाइफ एज अ लार्वा इन द वाटर, एक मच्छर के जीवन की शुरुआत लार्वा के रूप में पानी के अंदर होती है। इन व्हाट प्लेसेस मलेरिया डजंट अकर, कौन से स्थानों पर मलेरिया नहीं होता है? मलेरिया डजंट अकर इन ड्राई डेजर्ट प्लेसेस बिकॉज मॉस्किटोज कांट ब्रीड देयर। मलेरिया सूखी या रेगिस्तान की जगहों पर नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर मच्छर नहीं पनप सकते। मच्छर कहाँ पनपते हैं? हमेशा ठहरे हुए पानी में, सिर्फ पानी में भी नहीं, ठहरे हुए पानी में पनपते हैं। तो सूखी रेगिस्तान वाली जगहों पर जो है मलेरिया नहीं होता है। व्हाट इज़ द कार्ट कैरिंग, अब एक पोयम है जो उसमें वर्कबुक की फोर्थ पोयम है, उसमें ये बताया गया है कि एक गाड़ी जा रही है, तो गाड़ी में क्या जा रहा है? तो गाड़ी के अंदर क्या है? मेन इन लोड, जो बैलगाड़ी सड़क पर चलती हुई दिख रही है उसमें क्या है? लोग हैं और सामान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, व्हाट वॉज द प्रॉब्लम ऑफ द सोल्जर, अब सैनिक की क्या समस्या थी? द प्रॉब्लम ऑफ द सोल्जर वॉज दैट ही डिडंट नो द स्पेनिश लैंग्वेज। तो एक ये जो लेसन है इसमें ये बताया कि एक अमेरिकन सोल्जर था जो स्पेनिश की सेना में शामिल हो जाता है, लेकिन उसको स्पेनिश भाषा नहीं आती। तो यही पूछा गया कि उसकी क्या समस्या थी, सिर्फ समस्या यही थी कि उसे स्पेनिश भाषा नहीं आती। वॉट इज़ द मैन गोल ऑफ आवर एजुकेशनल सिस्टम, हमारा जो शिक्षा प्रणाली है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? द मेन गोल ऑफ एजुकेशन सिस्टम इज़ टू मेक स्टूडेंट्स एकेडमिकली साउंड एंड फिजिकली फिट। जो हमारा शिक्षा प्रणाली है उसका मुख्य उद्देश्य है कि विद्यार्थियों को शैक्षणिक रूप से भी स्वस्थ बनाए और शारीरिक रूप से भी स्वस्थ बनाए, इसलिए उनको खेल कूद का भी महत्व दिया जाता है पढ़ाई के साथ साथ, ताकि वो स्वस्थ रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डज द पोएट गेट फ्रॉम द काउ, यदि आपने ये पोएम नहीं पढ़ी है तो आप इसका आंसर कुछ अलग ही देंगे, क्योंकि इसमें पूछा गया है कि पोएट को काउ से क्या मिलता है। तो बच्चे क्या लिख देते हैं कि गाय से क्या मिलता है, तो मिल्क लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पर जनरल क्वेश्चन नहीं पूछा है, जो पोएट बता रहा है कि पोएट एक बच्चा है जो वो कह रहा है कि मुझे क्या मिलता है काउ से, तो द पोएट गेट्स क्रीम फ्रॉम द काउ, क्योंकि इस पोएम में जो पोएट है वो ये कहता है कि मुझे गाय से क्रीम मिलता है जिसे मैं एप्पल टार्ट के साथ डाल के खाता हूँ। तो यहाँ इसका आंसर क्रीम याद रखना। व्हाट इज़ द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ गुड एटिकेट, अच्छे शिष्टाचार की क्या पहली विशेषता है?
The first requirement of good etiquette is a pleasing personality with good dress. अब अच्छे एटिकेट की पहली विशेषता ये है कि मुस्कुराता हुआ व्यक्तित्व हो और उसमें अच्छे कपड़े भी पहनना शामिल है. What is the factor that assures strength? कौन सा ऐसा फैक्टर है जो जो शक्ति को बताता है? तो वो क्या है फैक्टर? वाट को हटा के सिर्फ आपको यूनिटी लिखना है, सिर्फ एकता. एकता ही वो गुण है जिससे शक्ति निर्धारित होती है. What was Napoleon's motto? Napoleon का motto क्या था? Napoleon's motto was divide and conquer. Napoleon का motto था फूट डालो और शासन करो. Question number 11. What are the children doing on shining day? बच्चे shining day मतलब खिली हुई धूप है जिस दिन, उस दिन क्या कर रहे हैं? The children are playing. तो doing की जगह आप क्या लिख दोगे? सिर्फ playing. बच्चे क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं. कहाँ पर? Garden में. बच्चे garden में खेल रहे हैं. What did Ashoka do? Ashoka ने क्या किया? Ashoka planted shady trees on the roads and in public places. Ashoka ने छायादार वृक्ष लगाए. कहाँ पर लगाए? सड़क पर और सार्वजनिक स्थानों पर. तो ये Ashoka के बारे में चैप्टर पूरा दिया हुआ है कि Ashoka ऐसे राजा थे जिन्होंने सड़क के दोनों ओर छायादार वृक्ष लगाए. Where did Mughals planted magnificent avenues of Chinar? Chinar के जो बड़े बड़े वृक्ष होते हैं, तो वो मुगल्स लोगों ने कहाँ लगाए? वो कहाँ लगाए? द मुगल्स प्लांटेड द मैग्निफिशेंट एवेन्यूज ऑफ चिनार अलॉन्ग द बैंक ऑफ रिवर झेलम इन कश्मीर. तो कहाँ पर लगाए उन्होंने? जो झेलम नदी है उसके किनारे लगाए. और झेलम नदी में कहाँ पर? कश्मीर में. कश्मीर में झेलम नदी के किनारे चिनार के वृक्ष लगाए. वाट डू वी नीड फॉर अवर हाईवेज? हमें अपने हाईवेज के लिए क्या चाहिए? हमें कि सिर्फ क्या चाहिए? एक प्लांटेशन प्लान चाहिए, मतलब एक प्लानिंग से लगाना चाहिए पेड़ों को. ऐसा नहीं कि कोई भी पेड़ कहीं पर भी इच्छा हुई नीम लगा दिया, उसी के पास में पीपल लगा दिया, फिर इमली लगा दिया. ऐसा नहीं, एक प्लान होना चाहिए प्लांटेशन के लिए कि हाँ, जैसे ये इसीलिए ये इसका एग्जांपल दिया है कि चिनार के जो ट्रीज हैं वो कश्मीर में बहुत ही एक साथ लगाए गए हैं तो वो ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं. तो हमें भी क्या ज़रूरत है? एक प्लांटेशन प्लान की. How much load does an average child carry in his school bag? तो ये लेसन में बताया गया कि एक बच्चा जब स्कूल जाता है तो वो अपने बैग में कितना वजन लेके जाता है. An average child carries 6 to 8 kg load in his school bag. तो कितना वेट लेके जाता है वो? करीब 6 से 8 किलो, जिसमें उसकी कापी, किताबें, पानी की बॉटल, टिफ़िन और मतलब लंच बॉक्स उसका, और जो भी उसको सामान बताया जाता है या ज्योमेट्री बॉक्स वगैरह भी, वो सब मिला के उसका 6 से 8 किलो का वजन हो जाता है स्कूल बैग में. व्हाई डिड गांधी जी ट्रैवल इन थर्ड क्लास? गांधी जी तीसरे दर्जे में यात्रा क्यों करते थे? अभी हमारे अलग अलग क्लास चलते हैं, है ना, एसी, फिर स्लीपर और जनरल. तो इस हिसाब से ये जो थर्ड क्लास है वो क्या है? जनरल डब्बा जो आज का है वैसा. तो गांधी जी जनरल डब्बे में क्यों यात्रा करते थे? गांधी जी ट्रैवल्ड इन थर्ड क्लास बिकॉज ऑल पियर पीपल इन इंडिया ट्रेवल थर्ड. गांधी जी तीसरे दर्जे में यात्रा इसलिए करते थे क्योंकि भारत के जितने भी गरीब लोग हैं वो सब तीसरे दर्जे में ही यात्रा करते थे, इसलिए वो भी तीसरे दर्जे में या जनरल में यात्रा करते थे. वॉट इज रेड क्रॉस सोसाइटी? द रेड क्रॉस सोसाइटी इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. रेड क्रॉस सोसाइटी क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है. Who founded the Red Cross Society and when? Sir, तो किसने Red Cross Society की स्थापना की और कब की? Sir Henry Dunant founded the Red Cross Society in 1863. Sir Henry Dunant ने Red Cross Society की स्थापना सन 1863 में की. Next question, who was Alfred Nobel? Alfred Nobel कौन थे? Alfred Nobel was a Swedish chemist. Chemist थे वो. What kind of friends are hard to find? किस तरह के दोस्त मिलना मुश्किल हैं? तो faithful friends are hard to find. विश्वसनीय दोस्त मिलना मुश्किल है. ठीक है, ये इस तरह से आपके वर्कबुक के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए. अब ये 4 मार्क के क्वेश्चन ड्रामा से आते हैं और ड्रामा आपके इसमें एक ही है. कौन सा है? महाराणा प्रताप. तो महाराणा प्रताप से इससे क्वेश्चन आएगा और वो 4 नंबर का होगा. इसके लिए हमने 3 महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं और उन 3 में से एक प्रश्न जरूर आ जाएगा. पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द क्वालिटीज़ ऑफ महाराणा प्रताप. महाराणा प्रताप की विशेषताएं बताइए. तो क्या क्या हैं? ही वॉज अ ग्रेट वॉरियर, ही
मतलब ये आप क्या करेंगे, महाराणा प्रताप और भामाशाह की विशेषताएं शुरू की आप देखिए, तीनों आप एक सी लिख सकते हैं, बस मैंने लास्ट की चौथी चेंज करी है। ठीक है, तो महाराणा प्रताप की विशेषता क्या है कि वो महान योद्धा थे, अपनी मातृभूमि को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, वो बहादुर थे और उनका ही हैड ए टेंडर हार्ट, मतलब उनका जो हृदय था वो बहुत मुलायम था, बहुत कोमल था। डिस्क्राइब द क्वालिटीज ऑफ भामाशाह, भामाशाह में भी ये विशेषता तो थी कि वो भी ही वॉज अ ग्रेट वॉरियर, अच्छे महान योद्धा थे, ही लव्ड हिज मदरलैंड मेवाड़ वेरी मच, अपनी मातृभूमि को बहुत प्यार करते थे, ही वॉज वेरी ब्रेव, बहुत बहादुर थे, ही हैड अ पॉजिटिव थिंकिंग, उनकी जो थिंकिंग थी वो बहुत ही सकारात्मक थी। तो ये जो है चौथा अंतर हमने क्यों अलग लिया, जैसे चौथा इसलिए अलग लिया कि टेंडर हार्ट क्यों था, क्योंकि उनको बहुत दया आती है कि बेचारे मीरा की क्या गलती है, बेचारे पोते की बच्चे की क्या गलती है, तो ऐसा उनमें दया की भावना बहुत थी। और भामाशाह को हमने क्या लिखा है, पॉजिटिव थिंकिंग क्यों कहा कि अकबर से हारने के बावजूद भी भामाशाह जाकर महाराणा प्रताप को सारा वेल्थ वगैरह देकर आते हैं, इसलिए कि आप लड़ाई करो और वापस से राजा बनो, तो पॉजिटिव थिंकिंग थी, वो हार नहीं मानते, इसलिए ये जो है विशेषता भामाशाह में हाँ आप लिख देना। और क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डिड प्रताप सिंह कॉल भामाशाह द सेवियर ऑफ मेवाड़, प्रताप सिंह ने भामाशाह से ये क्यों कहा, मेवाड़ के संरक्षक की उपाधि क्यों दी, तो क्यों दी, प्रताप सिंह हैड लॉस्ट ऑल होप टू लिबरेट मेवाड़, भामाशाह गेव ऑल हिज गोल्ड एंड वेल्थ टू फाइट विद मुगल, सो राणा प्रताप कॉल्ड भामाशाह द सेवियर ऑफ मेवाड़, प्रताप सिंह ने अपना मेवाड़ जीतने की सारी उम्मीद हार चुके थे, भामाशाह ने आकर अपना सारा सोना और वेल्थ मुगल से लड़ने के लिए दिया, इसलिए राणा प्रताप ने उनको मेवाड़ के संरक्षण की उपाधि दी। तो इस तरह से बच्चों आपके ये 32 मार्क्स पूरे कवर हो जाएंगे और आप इससे अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, आप वीडियो को पास कर करके जो है क्वेश्चन के आंसर्स लिख सकते हैं, और आपको अगर और भी कोई आपको की रिक्वायरमेंट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।